नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। राज्य में लगाया जा सकता है 3 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन, कल से 2 दिन का कड़ा बंद, कलेक्टर ने किया पालन करने का आह्वान। नागपुर में 24 घंटे में 64 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम, नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला, एक ही दिन में 6489 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले। और कोरोना की स्थिति को देखते हुए एमपीएससी परीक्षा टली, परीक्षा रद्द करने की हो रही थी मांग, अगली तारीख की नहीं हुई है घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य में सोमवार से लागू किए मिनी लॉकडाउन में कुछ ढील दिए जाने की उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही है। राज्य के मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने संकेत दिए कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 3 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बहरहाल इधर जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने आह्वान किया है कि मिनी लॉकडाउन के तहत शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन का पालन करें और घर से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। जिस समय राज्य में लागू किए गए मिनी लॉकडाउन का व्यापारी व प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाले नागरिकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, ठीक उसी समय राज्य के मदद एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने इस लॉकडाउन को और अधिक सख्त किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य में 3 सप्ताह का सख्त लॉकडाउन लगाना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले सोमवार से राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार सहित तमाम प्रतिष्ठानों के लिए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, साथ ही शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन घोषित किया है। हालांकि इसका विविध व्यापारी संगठनों द्वारा विरोध हो रहा है। संगठनों ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर प्रतिबंधों में थोड़ी ढील देने की मांग भी की थी, लेकिन अब वडेट्टीवार ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार प्रतिबंधों में ढील के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नागपूर जिल्ह्यामध्ये मागील 2 दिवसांपासून पुनः रुग्णांच्या संख्येमध्ये वाढ व्हायला सुरुवात झालेली आहे। हे जर आपण लक्षात जर घेतलं तर राज्य शासनाने ज्या लॉकडाऊन उद्या आणि परवामध्ये शनिवार आणि रविवारमध्ये जो लावलेला आहे त्याला सर्वांनीच आता सक्रियरित्या पाठिंबा देणं खूप आवश्यक आहे। मी जबाबदार, हे जे काही एक आपली अभियान जे आहे ते सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे। या 2 दिवसांमध्ये आज रात्रीपासूनच 8 वाजतापासून कर्फ्यू सुरू होईल, ते उद्या तो कर्फ्यू जो आहे तो सोमवारी सकाळी 7 वाजेपर्यंत राहील। नागपूर में पिछले 24 घंटों में किए गए 22,797 टेस्ट में 6489 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक दिन में 64 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें नागपुर शहर के 37 मरीजों का समावेश है। शहर में आज की स्थिति में 49,347 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी द्वारा 11 अप्रैल को ली जाने वाली महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्विस नॉन गैजेटेड ग्रुप बी जॉइंट प्री एग्जामिनेशन निरस्त कर दी गई है। परीक्षा की आगामी तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी ने कोरोना के तीव्र संक्रमण को देखते हुए 11 अप्रैल को होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्विस नॉन गैजेटेड ग्रुप बी जॉइंट प्री एग्जामिनेशन में करीब 4 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठने वाले थे। राज्य में कोरोना की उग्र स्थिति को लेकर उम्मीदवार कई दिनों से परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे। अंततः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में एमपीएससी परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि परीक्षा की आगामी तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं।
नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोंदिया जिले के नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत थाटेझरी गांव के जंगल में आग का जबरदस्त तांडव शुरू है। यह आग इतनी तेज है कि इसे बुझाने के प्रयास में 3 ठेका मजदूरों की झुलसकर मौत होने की खबर है, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। जंगल में आग लगने का प्राथमिक अनुमान फायर बोलवर में विस्फोट बताया जा रहा है। नागझीरा व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे थाटेझरी गांव के जंगल में कक्ष क्रमांक 97, 98, 99 और 100 में आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग के 50 से 60 वन कर्मचारी, अधिकारी व ठेका मजदूर प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अचानक तेज हवाएं शुरू होने से पुनः आग भड़की है। जंगल में इन दिनों वनवा बुझाने का कार्य शुरू है। जब जंगल में आग पुनः भड़की तो वनवा बुझाने के कार्य में जुटे 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी है। मृतकों में राकेश मड़ावी, रेखचंद राणे, सचिन श्रीरंगे का समावेश है, जबकि विजय मरसकोले और राजू सायम को उपचार के लिए नागपुर लाया गया है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि मृतकों के परिवार को प्रत्येकी 25 लाख रुपए की सहायता और परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाई जाए। टोटल 5 लोक होते, त्याच्यातले 3 लोक मृत पावलेले आहेत आणि 2 लोक जखमी झालेले आहेत, तर ते नागपूरमध्ये त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत कालपासून। आणि 3 मृत व्यक्तींबद्दल पण आता मदत जी जाहीर झालेली आहे त्याच्याबद्दल आता अनाउन्समेंट महाराष्ट्र शासनाकडनं, प्रत्येक जे मृत पावलेले आहेत त्यांच्या प्रत्येक कुटुंबियाला 5 लाख रुपये जाहीर झालेले आहेत, आणि बरोबरच अजून 5 लाख रुपये आम्ही वेगवेगळ्या सोर्सेसकडून असे प्रत्येक कुटुंबाला 10 लाख रुपये देण्याचा आम्ही आत्ता घोषणा केलेली आहे। आणि जे मृत व्यक्ती होते ते बरेचसे कर्ते होते त्यांच्या कुटुंबातले आणि वन संरक्षणाच्या कामात असल्यामुळे आम्ही त्यांच्यासाठी म्हणजे ते शासनात त्यांना कामावर घेऊ असा प्रस्ताव पण आम्ही पाठवणार आहोत। सर, आमची मागणी अशी आहे की जो कुटुंब रुग्ण असल्यामुळे त्यांच्या घरच्या वारसदारांना 25 लाख रुपये शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, आणि त्याच्या जे कुटुंबात जे कोणी असतील 18 वर्षानंतरचं त्या घरातील व्यक्ती सदस्यांना त्यांनी कर्मचारी म्हणून शासनानं नियमितपणे कामावर घ्यावं, आणि गार्ड, RFO, RO या 3ही कर्मचाऱ्यांना निश्चितपणे सस्पेंड करायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा कैद कर लिए गए कोबरा कमांडो टीम के जवान राकेश्वर मनहास को अंतः नक्सलियों से वार्ता के बाद छुड़ा लिया गया है। नक्सलियों ने राकेश्वर को स्वयं गांव वालों की समिति के साथ बातचीत के बाद छोड़ा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा कैद कर लिए गए कोबरा कमांडो टीम के जवान राकेश्वर मनहास को 6 दिन बाद छुड़ाने में सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए जवान की रिहाई के लिए उसूर ब्लॉक के आदिवासी समाज के अध्यक्ष तेलम बोरैया तथा पद्मश्री धर्मपाल सैनी की 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम गठित की गई थी। नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने बस्तर के बिहड़ में मध्यस्थता करने गई 2 सदस्यीय टीम के साथ बस्तर के 7 पत्रकारों की टीम भी गई थी। अंततः वार्ता सफल रही और कोबरा जवान को रिहा कर दिया गया। मनसुख हिरेन की हत्या और मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी आरोपी सचिन वाजे से अब NIA विस्तार से पूछताछ करेगी। न्यायालय ने वाजे को 23 अप्रैल तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। मनसुख हिरेन की हत्या और मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी आरोपी सचिन वाजे को न्यायालय ने 23 अप्रैल तक NIA की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। अदालत से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत की मांग की थी ताकि पूछताछ की जा सके। एजेंसी की इस मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सचिन वाजे के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए जेल में उन्हें सुरक्षित सेल मुहैया करानी जानी चाहिए। अदालत में सुनवाई के दौरान सचिन वाजे के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए जेल में उन्हें सुरक्षित सेल मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर महाराष्ट्र के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की आपूर्ति करने में अन्य राज्यों के मुकाबले भेदभाव बरता जा रहा है। जिस देश में वैक्सीन बन रही है वहीं पर वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है और प्रधानमंत्री दूसरे देशों को खुले हाथों से वैक्सीन लुटाकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। कि गुजरात की संख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है, हरियाणा की संख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है,
लोकसंख्या सबसे ज़्यादा हरियाणा से महाराष्ट्र की है। आज उनको जो है 24 लाख दिया गया, महाराष्ट्र को कितने लाख दिया गया, आज यूपी के अंदर 50 लाख के करीब दिया गया, महाराष्ट्र को कितना दिया गया। मेरा प्रश्न केंद्र सरकार से यह है कि किसी भी देश ने अपनी खुद की वैक्सीनेशन बनाने के बाद में अपने लोगों को मरता छोड़ के बाकी के देशों को देने का काम किया है क्या, सिवाय देश के? हमारे भारत देश ने, हमारे यहाँ आज 1 लाख के करीब पेशेंट्स आ रहे, हम हमारे लोगों को पूरी तरीके से दे नहीं पा रहे, और आपने ले जाके पूरी दुनिया भर में दवाई बांटने का काम कर रहे हैं। क्या आप अमेरिका से बड़े हैं? क्या अमेरिका से बड़ी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है या उतने डेवलप्ड हैं? तो अमेरिका ने अपने नागरिकों को पहला दिया, सारे लोग अपने नागरिकों को पहला दे रहे, आज हमारे नागरिकों को हम पूरा नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक समाप्त होने की कगार पर होने संबंधी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आने के बाद भाजपा प्रवक्ता राम कदम ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा वैक्सीन समाप्त होने की नौटंकी की जा रही है। 6 अप्रैल के दिन महाराष्ट्र के मुख्य सचिव स्वयं कहते हैं कि उनके पास 15 लाख कोरोना वैक्सीन्स अभी भी शेष है। महाराष्ट्र की रोज की खपत अधिक से अधिक मात्रा में 3,90,000 कोरोना वैक्सीन्स की खपत है। 6 और 7 अप्रैल अगर यदि जोड़े, उसके बावजूद भी जो स्वयं मुख्य सचिव ने कहा है उस बात को लेकर के 7.5 से 8 लाख कोरोना वैक्सीन्स महाराष्ट्र सरकार के पास बैलेंस है, किंतु 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाजे मामले में सरकार के विरोध में आएगा, इसकी जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र की वसूली सरकार ने सभी जगहों पर वैक्सीन खत्म हो गई, इस प्रकार की बातें सामने लाई। महाराष्ट्र में वसूली रैकेट प्रकरण में उच्च न्यायालय का निर्णय अत्यंत सुस्पष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका पर जो टिप्पणी की है उसे देखें तो खोखली बयानबाजी करने वालों पर यह एक करारा तमाचा है। यह कहते हुए प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीबीआई जांच से इस वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय ने अतिशय स्पीकिंग ऑर्डर दिला होता आणि ज्या प्रकारचं संपूर्ण प्रकरण आहे या प्रकरणामध्ये सीबीआयने इन्क्वायरी केली पाहिजे याचं पूर्ण कारण मीमांसा ही माननीय उच्च न्यायालयाने केली होती। तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र सरकारने जाण्याचा प्रयत्न केला, स्वतः माजी मंत्री महोदय देखील गेले। सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात जी टिप्पणी केली आहे ती मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाची आणि विशेषतः महाविकास आघाडीतले जे नेते या संदर्भात बोलत होते त्यांना उत्तर देणारी टिप्पणी ही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे। मला असं वाटतं की आता या ठिकाणी योग्य अशा प्रकारची चौकशी होईल आणि चौकशीतनं काय खरं आहे काय खोटं आहे ते बाहेर निघेल, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो। नागपुर पुलिस ने डीसीपी लोहित मतानी के नेतृत्व में लकड़गंज और तहसील थाना अंतर्गत रूट मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने राज्य शासन द्वारा जारी की गई कोरोना संबंधी गाइडलाइन के पालन का आह्वान नागरिकों से किया। इससे पूर्व जोन 2 में पुलिस दल ने सीताबर्डी के वेराइटी चौक से रूट मार्च निकाला था। तो खबरों के सफर में आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।